हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है टेस्टी तड़का में। जैसा कि हम सबको मालूम है, आजकल चारों ओर होली के रंगों की बहार शुरू हो गई है और त्योहार के इस मौसम में सबसे शौक से खाई जाने वाली मिठाई है गुजिया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुजिया। लेकिन जिस गुजिया की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, वो मैदे से नहीं बनेगी, वो आटे से बनेगी और साथ में ही इसमें चीनी नहीं पड़ेगी। इसमें हम गुड़ का प्रयोग करेंगे और ना ही हम इसको तेल में तलेंगे, बल्कि हम इसको अवन में बेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी गुजिया हम बनाएंगे आज, हेल्दी और टेस्टी गुजिया का एक नया वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं और नोट करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स। दोस्तों, गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, होल व्हीट फ्लावर है ये, 1.5 कप, 1.5 कप ले लिया है मैंने। 2 बड़े चम्मच सूजी के ले लिए हैं मैंने। घी ले लिया है मैंने, 6 बड़े चम्मच घी लिया है मैंने। दोस्तों, अगर हम मैदे में गुजिया बनाते तो हम सिर्फ 4 चम्मच घी डालते, लेकिन हम आटे में गुजिया बना रहे हैं तो आटे को बाइंडिंग के लिए और क्रस्ट के लिए थोड़ी ज्यादा मैन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं 6 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। दोस्तों, फिलिंग के लिए मैंने खोए का इस्तेमाल किया है, 200 ग्राम खोया लिया है मैंने। इसको मैंने हल्की आंच पर हल्का ब्राउन होने तक भून लिया है ताकि इससे खोए की लॉन्गेविटी बढ़ जाए, हमारी गुजिया जो है वो कई दिनों तक खराब नहीं होगी। अगर हम बिना भुने खोया डालते हैं तो गुजिया बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए हम खोए को हल्का भून के इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे भुना था और हल्का ब्राउन करने तक इसको भुना है, गोल्डन कलर आ गया है खोए में, तब तक हम इसको भुनेंगे। 200 ग्राम खोया है ये, 125 ग्राम गुड़ लिया है मैंने। गुड़ को मैंने पाउडर कर लिया है दोस्तों, ये देखिए, ताकि इसको मैं आराम से फिलिंग के साथ मिक्स कर सकूं, क्योंकि हम अगर खड़ा गुड़ लेंगे और उसको मेल्ट करेंगे तो हमारी गुजिया कभी भी नहीं बन पाएगी, इसलिए हम गुड़ को तोड़ के उसका पाउडर कर लेंगे और उसकी फिलिंग बनाएंगे। ये दोस्तों काजू है, काजू को भी मैंने दरदरा पीस लिया है, 40 ग्राम काजू लिया है मैंने, इसको मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने, नारियल का बुरादा, ये बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाता है। ये 6 ड्राई डेट्स हैं, छुआरा है ये, छुआरे के बीज निकाल के मैंने इसको भी मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने दरदरा ही पीसा है। साथ ही मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर का, जो कि फ्रेग्रेंस देगा हमारे गुजिया को। दोस्तों, गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का क्रस्ट तैयार करेंगे, मयन तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आटे के अंदर सूजी मिक्स कर लूंगी और साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से हाथों से मसल देंगे। ये देखिए दोस्तों, आटा बिना अभी पानी डाले ही ऐसे बंधने लगा है, इसका मतलब आटे का मैन बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल रेडी है अब गूंदने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे, लेकिन इसको गूंदने के लिए मैंने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए दोस्तों, आटा तैयार है। इतना आटा गूंदने में मैंने लगभग आधा कप के जितना पानी इस्तेमाल किया है। अब इस आटे को मैं क्लिंग फिल्म से रैप करके रख दूंगी इसको, जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। दोस्तों, आटे को मैं रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, आटा कम से कम आधे घंटे तक रेस्ट करेगा, तब तक हम अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। दोस्तों, मिक्सचर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले खोया ले लिया है, खोए को मैं हल्का सा पाउडर कर लूंगी मसल के। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने भून लिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसको मैंने धीमी आंच पे हल्का ब्राउन होने तक भून लिया था। इसको अब मैं चम्मच के पीछे से ऐसे मसल मसल के हल्का सा तोड़ दूंगी। अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर दूंगी, छुआरा, काजू, नारियल और इलायची पाउडर। दोस्तों, ये बोल थोड़ा छोटा है तो मैं सारी चीजों को बड़े बोल में ट्रांसफर कर लूंगी और सारी चीजों को हम एक अच्छा मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू, बादाम और
छुआरे का यूज किया है। अगर आप चाहें तो इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं और किशमिश भी डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं डाला है। क्योंकि गुजिया हम बना के कुछ दिनों तक इसको स्टोर करते हैं, ये ऐसी मिठाई है जिसको हम तुरंत कंज्यूम नहीं करते हैं, इसको हम लगभग 7 से 8 दिन तक कंज्यूम करते हैं, 7 से 8 दिन तक स्टोर करते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ हमारी 7 से 8 दिन की होती है, तो इसमें डालने वाली हर एक चीज के लिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। जिसकी शेल्फ लाइफ कम होगी उस चीज की वजह से हमारी पूरी गुजिया खराब हो सकती है, इसलिए इसके अंदर डालने वाली चीजों के समय हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों ये मिश्रण अब एकदम तैयार है, इसमें अब हम मीठा चेक कर लेंगे। अगर हमें मीठा कम लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से गुजिया में मीठा बिल्कुल ठीक है, मुझे और गुड़ डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना गुड़ मैंने डाला है वो बहुत ही अच्छी हल्की मिठास दे रहा है, इसका टेस्ट काफी अच्छा आ रहा है। ये जो मिक्सचर है, ये जो फिलिंग हम गुजिया में यूज करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनी है। दोस्तों हमारा मिक्सचर भी रेडी हो गया है और हमारे आटे को भी रेस्ट करते हुए आधे घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको हल्का सा नॉक बैक कर लेंगे, एक बारी और गूंद लेंगे। आटा बिल्कुल रेडी है, मिक्सचर भी रेडी है, तो चलिए गुजिया बेलना और भरना शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत ही छोटे छोटे लड्डू जैसे बनाएंगे हम पेड़े, ये देखिए। इस तरीके से दोस्तों हम अपने सारे पेड़े बना लेंगे और अब हम इन पेड़ों को बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको काफी पतला बेला है, हमें इसको रोटी से काफी पतला बेलना है। और मेरे पास ये कटर है, अगर आपके पास कटर ना हो तो आप किसी भी तरीके की कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कटोरी से भी ये बड़ी आसानी से कट जाता है। इससे हमारी गुजिया बिल्कुल राउंड बनेगी। और अगर आप ना चाहें काटना तो बिना काटे भी गुजिया आराम से बंद हो सकती है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, इस वाली पूड़ी को मैंने नहीं काटा है, इस पूड़ी को मैं बिना काटे इसमें दूसरी डिजाइन बना के और फिर गुजिया को भरूंगी। ऐसे ही करके हम अपनी सारी पूड़ियां बेल लेंगे। दोस्तों मैंने गुजिया को भर के रखने के लिए ये अवन की ट्रे पे फॉयल कवर लगा लिया है, एल्यूमिनियम फॉयल शीट लगा ली है। हम अपनी सारी गुजिया इसी पे भर के रखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम गुजिया को भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पूड़ियां जो हमने बेल ली है वो ले लेंगे। साथ ही में मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, उस पानी में मैंने लगभग 1 चम्मच आटा मिक्स कर लिया है। अब इस घोल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से किनारों पे लगाएंगे। दोस्तों ये देखिए, अब मैं इसको अपने हाथ में बिल्कुल बीच में ऐसे रखूंगी और हल्का सा गड्ढा कर लूंगी और इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालूंगी, सिर्फ इतना जितने से कि मेरी गुजिया आराम से सील हो सके और वो फटे ना, क्योंकि गुजिया को अच्छे से क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे किनारी मिला ली है और अब मैं इसको ऐसे सील कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए हमारी गुजिया बिल्कुल अच्छे से सील हो गई है। और अब हम इसको ऐसे किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख के एक फोक की हेल्प से इस पर ऐसे निशान लगा देंगे। और अब
ये वाली गुजिया बनाएंगे जिसमें मैंने किनारों को नहीं काटा है। इसमें भी हम सिमिलर प्रोसेस करेंगे और आटे से सील करने के लिए सबसे पहले इसमें चारों ओर आटा लगा देंगे। जो आटे वाला पानी है उसको हम लगा देंगे। और अब हम इसके किनारे को हल्का सा फिर से पानी लगाएंगे और ऐसे पैक करते जाएंगे। दोस्तों मेरी एक ट्रे गुजिया बनके रेडी हो गई है। इसको अब मैं ओवन में डालूंगी। दोस्तों ओवन को मैंने 160 डिग्री पे प्रीहीट कर रखा है। अब मैं इसमें अपनी गुजिया डाल दूंगी। दोस्तों ओवन में गुजिया को मैं 20 मिनट के लिए रखूंगी। 20 मिनट के लिए 160 डिग्री पे बेक करेंगे इसको हम, और साथ ही साथ हम इसका कलर चेंज होने के लिए भी चेक करते रहेंगे। फ्रेंड्स गुजिया को अंदर डालने में मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करूंगी गुजिया को। चेक करने के लिए हम ऐसे इसको चेक करेंगे। अगर इसकी शेल जो है वो सख्त हो गई है तो समझ जाइए गुजिया हो चुकी है। हमारी गुजिया अब ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ओवन के बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स गुजिया बिल्कुल हो चुकी है। तो दोस्तों ये तैयार है हमारी बेक्ड गुजिया। इसके ऊपर मैंने शहद ड्रिजल किया है। आप चाहें तो शहद के अलावा डेट सिरप भी डाल सकते हैं, कोई और सिरप भी डाल सकते हैं अगर आपको और मीठा करना है तो। सर्व करने के लिए, गार्निशिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ इस पे शहद डाला है। बहुत ही बढ़िया स्वाद है, ट्रेडिशनल गुजिया से भी ज्यादा अच्छी बनी है। इस होली इसको जरूर ट्राई करें और इसके फीडबैक को मेरे साथ शेयर करें। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ टेस्टी तड़का पर। तब तक ईट टेस्टी, स्टे हेल्दी।